रिचर्ड। हाय। हाँ? मेरा वेट तो ज्यादा ही है, पर लिफ्ट का वेट बढ़ गया है आपके आने के बाद। ये इंटरव्यू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप बाहर जाएंगी? लेट हो रहा है, इंटरव्यू है मेरा। हमें भी इंटरव्यू के लिए जाना है, घूमने के लिए थोड़ी ना। मैडम प्लीज आप बाहर जाएंगी? बुरा मत मानिएगा प्लीज। हे कॉन्ग्रेट्स। किस लिए? आप लास्ट आई थी, पहले उतर रही है इसलिए। थैंक्स, हैप्पी जर्नी। हे थैंक यू। गुड, यू हैव गुड एकेडमिक्स। थैंक यू सर। So, can I know what is your salary expectation? गीता को 4, कार्तिक को 6, मुझे कितना मांगना चाहिए? टॉस करके देखती हूँ। Excuse me? Sir. I have asked you what is your salary expectation? 10 lakh, sir. You got selected. Congrats. So, you will be receiving your appointment letter very soon. Thank you. Thank you, sir. बेटी, इंटरव्यू कैसा रहा? हो गया पापा, उन्होंने जो भी पूछा उसका मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया पापा। आपने जैसा कहा था कॉन्फिडेंटली सारे आंसर्स दिए पापा, और उन्होंने अच्छे से सुना और गुड भी कहा, लास्ट में यू आर सेलेक्टेड भी कहा। क्या कहा उन्होंने? मुझे जॉब मिल गई पापा। मुझे पता था तुम सेलेक्ट हो जाओगी। वैसे ज्वाइन कब करोगी? फॉलो अप करेंगे, कॉल लेटर आएगा ऐसा कहा। ठीक है बेटी, रात में ट्रेन कब की है? 8:30। आधा घंटा पहले निकल जाना बेटी, सुबह स्टेशन पर रिसीव कर लूंगा। हाँ पापा, 10 lakhs का पैकेज मिला है। क्या कहा? 10 lakhs का पैकेज? हाउ इज इट पॉसिबल? देखो मिस्टर ध्रुव, या देखो ध्रुव बाबू, तुम इतना जानते हो कि लिफ्ट पर भरोसा करके तुम ऊपर तक जा सकते हो, लेकिन ये भी जान लो अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो मेरी तरह जीवन में ऊपर भी जा सकते हो। ये मुझसे पहले ऊपर कैसे पहुंच गई? हैप्पी जर्नी। थैंक यू। मुझे कांग्रेट्स कहेगा तू? इतनी जल्दी आ गया? अच्छा, इंटरव्यू ऊपर है ना, नंबर लेना चाहिए था। प्रेस। तेरा लिफ्ट का बुखार अभी उतारती हूँ मैं। सभी एक साथ लिफ्ट में मर जाओ। बाहर में जा इंटरव्यू, इसकी मौका। चल बे। तेरा नाम क्या है? मेरा लॉयर बस आता ही होगा, आपको वही बताएगा। अरे यार देख, छे आ गया, खेल शुरू हो गया। उस दिन तेरे साथ कौन कौन था? एक बार बोला ना, जब मेरा लॉयर आएगा तो वही बताएगा। तू खेलना। अरे यार फिर से 3 आ गया। कोई ना। वैसे तुम लोग कहाँ रहते हो? बहरा है क्या, समझ में नहीं आता? मेरा लॉयर आएगा तो वही बताएगा। सर, सर। फिर से 3 आ गया, फिल्म शुरू हो गई। लो आ गए थानेदार, भैया डर अब काहे का, जुल्म और सितम से दूर हटाए, अब भैया डर काहे का। स्वामी जी, ये गाना किसने गाया है? सुबह से दिमाग में चल रहा है। पता नहीं सर। पता नहीं? क्यों भाई लोग? हमें पुराने गाने के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैंने गाने के बारे में नहीं पूछा। तुम लोग यहाँ कैसे? मेरा लॉयर आ रहा है ना, वही बताएगा आपको। खेलना। 15 साल की लड़की है सर, 10th class में पढ़ती है। उसके पिता मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे हैं सर। सर, इसने उसे बुलाया तो वो आई नहीं, इसलिए ब्लेड से इसने उसका हाथ काट दिया। क्या स्वामी जी, आप भी ऐसा? हमने कई बार देखा है, आजकल के लौंडे बस ऐसे ही है। गए तेरी कोठी। इतनी सी बात के लिए इन्हें पकड़ के ले आए, अब FIR करके इन्हें परेशान करोगे तुम। खेलना बोलो, क्या कर रहा है? दो आया, प्यादा मर गया।
ये क्या है? ऑटोग्राफ। किस लिए? कन्फेशन के लिए। मेरा लॉयर आएगा तो वही करेगा। सर मेरा नाम किरण है सर। सर मेरा फोन नंबर है 8919-33880 सर। सर मैं जयनगर में 7 फ्लैग में मधुरा अपार्टमेंट 303 में रहता हूँ सर। सर मेरी कार का नंबर है K07007 सर। उसी कार में सर उस लड़की के स्कूल के बाहर वेट करके हमने 11 से 7 के बीच में इस कमीने ने उसे गाड़ी में किडनैप कर लिया सर। सर 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 प्लीज सर प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर। इसे मत घुमाइए सर। प्लीज उसके हाथ से बाहर निकाल लीजिए सर। वो खाना नहीं खा पाएगा सर। प्लीज सर। सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं लकड़ी भी वेस्ट नहीं होगी। लॉयर आके निकाल देगा ना? स्वामी जी। सर ये गा क्या रहा है भाई? शंकर बर्नम सर। गधा कहीं का। क्लासिकल भी सीख गया ये। इंडियन आइडल में जा सकता है। क्या है? टाइम हो गया मैडम। किस लिए? ये क्या मैडम, हमारे लोगों ने हर रूम में जाके इन्फॉर्म किया था, आपको नहीं बताया? नहीं। क्या आपने टीवी भी नहीं देखा मैडम? आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मेरी बच्ची वो किडनैपर्स डांस स्कूल। पहले पानी पी लीजिए। अब बोलिए। मयूरी डांस स्कूल से मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया है सर। बच्ची की एज? अक्षरा। एज? 8 साल की है सर। आपके रिश्तेदारों में या पहचान वालों में से आपके साथ किसी की दुश्मनी या कोई राइवलरी? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है। बच्ची आप तक पहुंच जाए इसकी जिम्मेदारी मेरी। आप कंप्लेन लिख दीजिए। बेबी। हेलो, कौन हो तुम? मेरी वाइफ है सर। अभी ये कंप्लेन दे रही है, विल टेक दी एक्शन। आप प्लीज कोई एक्शन मत लीजिए सर, ये हम दोनों का मामला है। चलो बेबी। क्या हुआ वासु? तुम चलो, मैं बताता हूँ। बताओ वासु। किडनैपर्स ने फोन किया था, 50 लाख देंगे तो वो बच्ची को छोड़ देंगे, और कहा कि पुलिस को कंप्लेन की तो वो बच्ची की लाश भेजेंगे। ऐसी बात है तो उन्हें 50 लाख दे दो वासु, पैसे तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं ना। ठीक है। हेलो, चलो चलते हैं। इसे होटल समझ रखा है क्या? ऑर्डर दिया, पसंद नहीं आया तो जा रहे हो? सर मेरी बच्ची को बचाना आपकी ड्यूटी हो सकती है सर, पर हमारी बच्ची हमारी जिंदगी है, हम उसे रिस्क में डालने का कोई काम नहीं कर सकते। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, हम आपकी बच्ची की किडनैपिंग केस में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर इफ यू नीड एनी हेल्प हम हैं, मत भूलिएगा। ओके सर। थैंक यू सर। दैट्स ओके। थैंक यू। क्यों सर, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? स्वामी जी, मेरी भी एक बेटी है, इनका दर्द मैं समझ सकता हूं, उन्हें हिम्मत मिले इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन एक पुलिस वाला होने के नाते उसे बचाना मेरी ड्यूटी है। हम ये केस टेक अप कर रहे हैं। कैसे सर? ऐसे, जहां यह इंसिडेंट हुआ है वहां का सारा सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सुनो बेटी। हाँ बोलिए पापा। टीवी में देखकर डर लग रहा है बेटी, ट्रेन और बस बंद हो गई है, फिर तुम कैसे आओगी? अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, मुझे बस हेल्प मांगने की जरूरत है, मुझे नो बोलने वाला ऐसा कोई फ्रेंड है ही नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, मैं छोटी बच्ची हूँ? ठीक है बेटी, संभल कर। ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है, रखता हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ हेलो अर्जुन। हेलो, बोलो। मैं जिस होटल में हूँ वहाँ का लोकेशन तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ, 1 घंटे में तुम अपनी कार लेकर यहाँ आ जाओ, कल सुबह 6 बजे तक मुझे गांव पहुँचना है। अगर मुझे कोरोना हो गया तो दीवार पर मेरी फोटो लगाकर उसके नीचे दिया जलाओगी क्या? बात वो नहीं है, मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ वो तुम सुनो, नोवेल कोरोना वायरस से पूरा देश अभी जूझ रहा है, दरवाजा बंद करके अंदर बैठिए, मुंह बंद करके अपना काम कीजिए, बाहर निकलेंगे तो अर्थी उठेगी और पूरी बटेगी। माँ, अदरक हल्दी का पानी बना कर दो, जल्दी लेकर आओ। हेलो संतोष,
आप जरा एक बार सोचिए, अगर आप अभी के अभी जाने के लिए कहेंगे तो मैं अकेली कहाँ जाऊंगी एटलीस्ट वन डे। अगर हम ऐसा करेंगे तो होटल सीज हो जाएगा। We are extremely sorry, ma'am. कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। वो सब हम नहीं जानते मैडम, प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, इस रोड के डेड एंड में पुलिस स्टेशन है, आप वहां जाकर ट्राई कीजिए, मे बी यू कैन गेट सम हेल्प। भैया हाँ, आसपास कोई रूम मिलेगा क्या स्टे करने के लिए? रूम का एड्रेस भूल गई हो क्या? नो नो, हाँ घर स्टे। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? इसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसे कैसे समझाऊं? शिट, उसने धोखा दे दिया और ये क्या बकरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? कहां फंस गई चैत्रा? हाँ बोल। कॉन्ग्रेट्स यार, तुझे जॉब मिल गई ना, डैडी ने बताया। लॉकडाउन में होटल खाली करवा दिया, देखा जाए तो बस ट्रेन कुछ भी नहीं है। मेरी क्या स्थिति है मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ चेन्नई में भी तो वही सिचुएशन है, तो फिर अर्जुन को कॉल कर लो ना। वो सब कर लिया, नो यूज। तुम्हारे फोन में ब्लाबला ऐप है ना? कौन सा ऐप? कैब के जैसा ही है, जहाँ जाना है वहाँ का लोकेशन डालोगी तो अगर कोई खुद की गाड़ी से उस तरफ जा रहा होगा तो तुम्हें भी पिक कर लेगा। अच्छा, बाद में चौंक लेना, पहले वो ऐप डाउनलोड करो। वहाँ का लोकेशन डेस्टिनेशन एंटर करते ही बैंगलोर से कोई हमारे गांव आ रहा होगा तो तुम्हें भी पिक कर लेगा। ओके ओके बाय। समझो मैं अपने गांव पहुंच गई। हेलो, क्या हुआ, गाड़ी मिल गई ना? मिली है, पर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई लड़का है और मैं उसे नहीं जानती, अजनबी इंसान के साथ अकेले मैं। बस सुनो, तुम्हें जॉब मिल गई है, आज नहीं तो कल तुम्हें शायद यूएस भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो कैसे चलेगा? कुछ होगा तो नहीं ना? तुम बेझिझक थोड़ी फ्रेंडली होकर उससे बातें करो, उसके क्लोज जाओ। वो लड़का हमारे गांव आने तक तुम्हारे सपनों में खोया रहेगा। सिग्नल दूंगी तो वो एडवांटेज लेगा, तो पीरियड्स है, सम अदर टाइम कह देना। हाँ। ए, वो ब्लाबला वाले का कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। हाय, हेलो, लेवल रोड, या ओके। कितना? 200 रुपए मैडम। 200? जी हाँ। 5 किलोमीटर भी नहीं था। देखिए मैडम, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ। तुम और तुम्हारा ऑटो का मीटर दोनों गलत है, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैडम 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 मैडम, चाहे तो पैसे ले लो, ये मत। तुम्हारे पैसों का मैं क्या करूँगी, ये लो 100। जान छूटी। जैसे लड़के से मुझ जैसी लड़कियां नहीं पटती। इसके साथ जाना पड़ेगा क्या? क्या ये वो ब्लाबला वाला है? इसके साथ कैसे जाऊंगी? बैंड बज जाएगी। टॉस करके देखती हूँ। Thank you.
लगता है ये खुद ही मेरे साथ नहीं आएगी, मैं चला जाता हूँ। ए हा? रुको, मैं आ रही हूँ, चलो। ठीक है, पर पहले कुछ कंडीशंस हैं। हाँ बोलिए। जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी रोकना नहीं, ज्यादा ब्रेक नहीं मारोगे, जब तक जरूरत ना हो मुझसे बात मत करना, और सबसे जरूरी मुझे टच मत करना। जैसे चोरों की फोटो पुलिस लेती है वैसे आप क्यों ले रही हैं? ताकि मैं अपने पापा को भेज सकूं। मैं तुम्हारे साथ फ्री में नहीं जाने वाली हूँ, पेट्रोल भी भरवा दूंगी। ठीक है बैठ जाओ, मना करने पे भी कहाँ मानने वाली हो तुम। गूगल पे का नंबर बताओ। 8823 कैम्प 1 प्ले करो सर, कैम्प 2 प्ले करो। ओके सर। स्टॉप, स्प्रे करने वाला व्हीकल जब बच्ची को क्रॉस कर रहा था वहां से दिखाओ। ओके सर। स्टॉप स्टॉप सर। स्मोक हटने के बाद उस तरफ से और इस तरफ से एक बाइक के अलावा और कोई व्हीकल नहीं गया। कैम 3 फुटेज प्ले करो सर। स्टॉप स्टॉप बैक करो सर। वो साइड में पार्क किया हुआ एक्टिवा पर जूम करो, उसके ऊपर के मिरर उस पर जूम करो। यस पॉज सर। वो नंबर प्लेट स्कैन करके मेरे पास लेके आओ। इस गाड़ी के नंबर को आसपास के तीनों राज्यों के सभी चेक पोस्ट पर फैक्स कर दो, वो जहां कहीं भी मिले कैच है। श्योर सर। क्यों मारे तुमने? अरे स्पीड ब्रेकर था तो मारने ही पड़े। मारने पड़े नहीं, तेरा कनिंग फेस देखकर समझ में आ रहा है तूने जानबूझकर ऐसा किया। अरे आप गलत समझ रही हैं। गलत समझने या गलत करने के लिए मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, समझे? दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चलो। मुझे बंदर समझ रही है, ऐसा कर रही है जैसे मैं इसे काट लूंगा। अरे बाप रे, फिर से स्पीड ब्रेकर। समझ में नहीं आ रहा है ब्रेक मारूं या नहीं मारूं। भगवान भरोसे छोड़ देता हूं। तुमने ब्रेक क्यों नहीं मारे? तुमने ही ब्रेक मारने से मना किया था ना। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, ये तुमने जानबूझ के किया है। नहीं। समझ में आ गया, तेरा ये सोचना कि इस लॉकडाउन में तेरी गाड़ी के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, नहीं। तेरा ये घमंड तेरी बाइक की वजह से ही है ना। रुक, तेरा जीपे मेरे पास है ना, तेरे को अभी पैसे भेजती हूँ। बात वो नहीं है चैत्रा। ए चैत्रा नहीं, चैत्रा जी। वैसे भी ये गाड़ी 50,000 की है ना, इतना नहीं होगा, इस गाड़ी के लिए 35,000 भी ज्यादा है। चेक कर ले चेक, ये गाड़ी अभी से मेरी है, तो सिर्फ अब से ड्राइवर है, अब से मैं जो बोलूंगी तू वही सुनेगा। समझ में आया क्या? चल। हेलो। हाँ? क्या है ये? क्या है वहाँ? तू ड्राइवर की तरह रह, क्लीन कर वहाँ, नहीं यहाँ पर। बैड जॉब। हेलो, हमें कहाँ ना होगा? काजीपेट में कहाँ ना होगा सर? सर मैं 50,00,000 रुपए लेके सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ सर, बस मेरी बच्ची का ध्यान रखना। ओके सर। छी, क्या जिंदगी है ये, इस कोरोना की वजह से ना एक क्वार्टर 1,000 रुपए का हो गया यार। अगर ये कोरोना मुझे दिख गया ना तो चखने की तरह खा जाऊंगा इसे। ए रिंग जा रही है। ये इस टाइम पे क्यों फोन कर रहा है? हेलो। हेलो भाई। हाँ बोल भाई। ये कोरोना औरत है या मर्द? हाँ? कोरोना औरत है या मर्द? अरे तू बताना यार। कोरोना
रोना औरत है और इस दुनिया में जितनी भी हिंसा होती है ना औरतें ही करती है। हाँ, ये बात। अच्छा एक बात बता, नर मच्छर खून पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं, सिर्फ मादा ही पीती है। तूने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी ना, उसमें से जो लंबे वाले पत्ते खाते हैं वो नर होते हैं। हाँ, बोला था ना, निकाल निकाल निकाल, अबे निकाल ना। क्या कर रहा है? चल देना। जो बेरहमी से इंसानों को खाती है वो मादा होती है, और पेड़ों में भी नर पेड़ अच्छे होते हैं ऐसा रिसर्च में पता चला है। अरे भाई थैंक्स यार, तेरी वजह से आज एक क्वार्टर का इंतजाम हो गया मेरा। अरे भाई संभल के आना, पुलिस वाले मिल गए तो तेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। अब तू ये गमछा पहन ले, तुझ पे अच्छा लगेगा। करोना औरत है पर तेरी जैसी कनिंग तो नहीं है ना? अरे बाप रे, लगता है सब कुछ सुन लिया इसने। अब तो गए हमें। रुक रुक रुक। यहाँ कीचड़ है, थोड़ा आगे रोक। दिमाग खराब कर दिया। तू कहाँ रहे? अरे मैं भी भगवान को मानता हूँ, प्रार्थना करने आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे आने के बाद चले जाना। तब तक चप्पल का ध्यान रखो। अरे क्या मजाक कर रही हो तुम, यहाँ से चप्पल कौन चुराएगा? वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ क्या, अगर मंदिर के सामने से चप्पल चोरी हो जाए तो समझ लो हमारी पनौती कट गई। वो तुम जैसे लोगों के लिए है, जारा है वो। कहाँ जा रही है, ये तो यही है। 15,000 की है वो। 15,000? 15,000 की कोई चप्पल पहनता है क्या? और इसकी रखवाली के लिए मुझे बोल रही है? ऐसा क्या है इसपे, क्या है 15,000 का? सोने का पानी चढ़ा है क्या इसपे? ये लड़कियां भी ना। तुझे प्यास लगी है क्या? तुम्हें लगी हो तो बताओ मुझे। जितना पूछा है उसका जवाब दो। हाँ। तो कहीं रुककर वाटर बॉटल ले लेना। हाँ ठीक है, अब तो लेनी ही पड़ेगी। पता नहीं अब ये पानी की बॉटल कहाँ मिलेगी। जरा उतरना, देखता हूँ शायद यहाँ मिल जाए। कोई है क्या? कोई है? पानी की बॉटल है? हाँ है ना, सादा चाहिए ठंडा? सादा चाहिए, दीजिए। क्या देख रहे हो? चेंज। चेंज नहीं है, 100 की बॉटल है। ये तो 20 रुपए की मिलती है ना, 100 क्यों लिया? वो लॉकडाउन से पहले था, अभी लॉकडाउन है। हाँ जानता हूँ लॉकडाउन है, लेकिन 100 क्यों भाई? नहीं चाहिए तो दे दो। 100 रुपए का फटका लग गया। वाटर और क्वार्टर में कोई फर्क ही नहीं रहा। अरे जब तुम्हारे पास पानी था तो ये खरीदने के लिए क्यों भेजा? ये मेरी है। हाँ। मैं पीऊंगी और तू मासूम बनकर देखेगा, फिर मैं तुझे पानी दूंगी। मुझे ये पसंद नहीं है, इसीलिए तेरे लिए वाटर बॉटल तुझे ही खरीदने को कहा। चलो बैठो जल्दी। ड्राइवर मुझे एक कॉल आ रहा है, गाड़ी रोको जरा। हेलो चित्रा, तुम निकल गई क्या? हाँ, मेरे बिना ये कैसे जाएगी ये देखने के लिए फोन किया है ना, या बेचारी समझकर कंसर्न के लिए फोन किया? छी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें सॉरी कहने के लिए फोन किया। किस लिए? तेरी कार कौन सी है? हुंडई ग्रैंड i10 ब्रांड न्यू है। i10? ड्राइवर हमारी कार कौन सी है? i20 है क्या? i20 कह रहा है। रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप में ये कॉमन है। ये सब पोस्ट कोविड ट्रामा सिम्टम्स की वजह से हो रहा है। ऐसा क्या? वैसे त्योहार में कब आ रहा है ये? 3 दिन का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा ना। उस वक्त बिल्कुल कॉल मत करना। सैनिटाइज कर लेता हूँ। इस चैत्रा ने हेल्प मांगी तो मुझे मना कर रहा है, मेरे साथ गेम खेल रहा है। वाह, चलो बैठो। नेचर कितना बढ़िया है। ड्राइवर एक फोटो लो ना। अब ये सब भी करना पड़ेगा।
थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा स्माइल भी कर दो। लड़की तो किशमिश जैसी मीठी लग रही है। क्यों बेबी, चलती है क्या? आ जा, चलना चलना यार। रोको, सुना तुमने उन कमीनों ने कैसा कमेंट किया? इनके कमेंट्स और स्टूडेंट्स की रैगिंग ये तो कॉमन है। हमारी समझदारी है कि हमें चुपचाप निकल जाना चाहिए। तू असल में इंसान ही है ना? तुम्हारे साथ जर्नी स्टार्ट करने के बाद मुझे भी यही डाउट आया था। कोई एक लड़की को कमेंट कर रहा है तो तू ऐसे बैठा रहेगा? अपनी होशियारी बंद करेगा। अगर ये कमेंट तेरे फ्रेंड ने किया होता तो क्या? तुम भी ना, मुझे हमेशा फंसाने वाले फ्रेंड से मिलते हैं, उन कमीनों के लिए मैं रिस्क क्यों लूं? तुम्हारी बहन पर किसी ने कमेंट किया होता तो? छे 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 छे। दरअसल मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं ना, इसलिए मुझे इमोशन के बारे में नहीं पता। अगर मैं तेरी लवर होती तो? यही करेक्ट इमोशन है। ठीक है, बस 10 मिनट के लिए मैं तेरी लवर हूँ, तब क्या बताएगा? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। चलो चलो बोलो। दीदी वो अनजाने में टच कर दिया। दीदी सॉरी सॉरी सॉरी। दीदी क्या कहा था तूने? कुछ नहीं दीदी। सैंडविच मसाज? हाँ सैंडविच। टच कर। कुछ भी नहीं दीदी। टच कर ना। माफ कर दो। आजा, गलती से हो गया। टच कर के नहीं किया, माफ कर दो दीदी, माफ कर दो। तूने क्या कहा था? किसमिस? हाँ सॉरी सॉरी। दोबारा अगर किसी लड़की पर कमेंट किया या कहीं भी किसी भी लड़की पर कमेंट किया? नहीं दीदी, ऑल इंडियन वुमेन्स आर माय सिस्टर दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक्स दीदी। चलो जाओ, दोबारा ऐसा नहीं करना। अरे क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो 10 मिनट्स दिए थे वो पूरे हो गए, गाड़ी निकालो। अरे बाप रे, इसका स्क्रू ढीला है क्या? हटो। आप क्या हुआ? अच्छा, मेरे बैकग्राउंड के बारे में ऐसा क्या बता दिया जो वो इतना डर गए? ओह अच्छा। लड़की को अकेला छोड़कर रिवेंज लेने के लिए आया रोमियो। वैसे तुम दोनों में से उस लड़की को टच करने वाला कौन था? मैं ही था। तूने ही उस लड़की को टच किया था? हाँ तो? तूने ही उस लड़की को टच किया था? हाँ किया था, क्या करेगा। हाँ टच कर और टच कर, हम दोनों को कोरोना है। पता है हम दोनों कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? क्वारंटाइन सेंटर से भाग के आ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर से भाग के आ रहे हैं? अगर तूने उससे सॉरी नहीं बोला ना तो मैं तुझे टच करूंगा। चलो आ जाओ बैठो। कोई बात नहीं पापा, फ्रेंड की कार में आ रही हूँ। टीवी में जितना दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है पापा, पुलिस पुलिस कोई नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस यहाँ इतना जो चेक कर रही है? पापा मैं कॉल करती हूँ। लगता अब इनसे कैसे बच के निकलूं? इस रोड से क्यों आए तुम? इससे पहले किसी साइड रोड से निकल लेते। 10 किलोमीटर तक बस यही एक रोड थी। अब क्या करें? दो भाई तुमको पता नहीं है कि लॉकडाउन हो गया है? अरे बाप रे, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है, लगता है पता चल गया इसे। आ रहा है।
आगे आओ ए, पहले एम्बुलेंस को रास्ता दो। जल्दी जल्दी चलो रास्ता क्लियर करो। चलो 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 निकलो निकलो एम्बुलेंस को रास्ता दो। चलो चलो जाओ जाओ। सर सर हाँ, इससे पहले एम्बुलेंस के साथ जो गाड़ियाँ छोड़ी गई ना उनमें इस नंबर की बाइक भी थी। शे आंखों के सामने से निकल गए सर। अच्छा ठीक से देखा है ना? हाँ सर सच कह रहा हूँ सर। मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है प्लीज। जो करना है जल्दी करो। हो गया क्या? वो मैं अपनी माँ से बात बस करो चलो। हेलो सर, मैं वेंकटेश्वर बोल रहा हूँ। मैं बॉर्डर का SI हूँ सर। आपने जिस बाइक का नंबर फैक्स किया था वो निकल गई सर। स्वामी जी सर, बिल से साफ बाहर निकल चुका है, बस उसका फंड कुचलना बाकी है। बच्ची को कुछ नहीं होगा भार्गवी, हिम्मत से काम लो। हम उन्हें पैसे दे देंगे तो बच्ची हमारे पास आ जाएगी। ए, ड्राइवर, रुको रुको। अब क्या हुआ? चश्मा गिर गया। जाकर लेके आओ। तुम्हारी वजह से गिरा है, तुम जाकर लाओ। इतनी रेस मत दो, तुम टूट जाएगा वायर। जैसे कहीं की महारानी हो, ऑर्डर दे रही है मुझे। चैत्रा से पंखा मत लेना। अरे रे 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 रे, बेचारी का स्पेक्स टूट गया। दिल भी टूट गया होगा मैडम का। अरे बाप रे, बुरा लग रहा है ना तुम्हें? इतनी सी बात का क्यों बुरा मान रही हो? हमारा जो अमलापुरम का टावर है ना, उसके बगल में तीसरी गली में छड़ी शॉप है अपना पवन ऑप्टिकल्स, वहाँ बन जाएगा ये। वहाँ जाके तुम मुझे फोन करना, मैं बोल दूंगा बना देगा वो। तुम्हें स्पेक्स के बारे में कुछ पता भी है? अरे बाप रे, इतना बुरा लग रहा है क्या तुम्हें? पक्का बहुत लगाव होगा तुम्हें इससे। तुम्हारी नानी या माँ का है ये, या फिर माँ ने गिफ्ट में दिया होगा, है ना? ये लो अस्थियाँ, गंगा में बहा देना। इतना टेंशन में क्यों हो स्वामी जी? वही सर, किडनैपर जब पकड़ा जाएगा तब आप क्या करोगे ये सोचकर ही डर रहा हूं। डरने की जरूरत आपको नहीं, किडनैपर को है स्वामी जी। आगे गलती ना करे उससे पहले सेंक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। से पुलिस वाले, इस बार तो पक्का पकड़ा गया। कहां से आ रहे हो तुम लोग? पास कहां है? लॉकडाउन में बाहर निकलना मना है, पता नहीं है क्या? कहां जा रहे हो सर? कुछ भी पूछो जवाब नहीं दे रहे हैं सर। Hey,
लेके आओ जल्दी 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 ले आओ 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 जल्दी आओ जल्दी जल्दी आके बैठो जल्दी करो अरे क्या कर रही हो जल्दी बैठो जल्दी बैठो 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 चलो 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 जल्दी रुक जल्दी मैं आते आते निकल गया। अरे बाप रे, बच गए। थोड़ा उतरोगी क्या प्लीज? गाड़ी क्यों रोकी? थोड़ा नशा सा लग रहा है। हलक तक पियोगे तो नशा जैसा ही लगेगा। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कोई बेवड़ा हूँ क्या? कोई बेवड़ा खुद को बेवड़ा नहीं बोलता। फालतू की बकवास मत करो। वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, जहाँ मन किया जब मन किया गाड़ी को मत रोकना। घर में मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे, समझा? अगर मैं नशे में होता तो गाड़ी कहीं किसी पेड़ से टकरा देता, इंतजार नहीं करता, समझ गई ना तुम? तुमसे और क्यों करना वेस्ट है। अभी गाड़ी चलाओगे या नहीं? मैं नहीं चलाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? लॉकडाउन है ना सर, तो गांव जा रहे हैं। कौन सा गांव? विजयपाड़ा सर। कहाँ से आ रहे हो? बेंगलुरु से आ रहे हैं सर। ए कांस्टेबल, चेक करो। ओके सर। डिक्की ओपन करो। वासु। क्यों भाई, कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं है सर। बेंगलुरु के रूट से आ रहे हो क्या? उसी रूट से आ रहे हैं सर। अब हम जा सकते हैं क्या सर? जाओ जाओ। तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? अच्छा, वाटर बॉटल वाली टेक्निक हा? नहीं, मुझे सच में भूख लगी है। जैसे ही गैप मिलता है कुछ ना कुछ अपलोड ही करती रहती हो क्या? मतलब इतना खाने के बाद भी भूख लग रही है, इसीलिए बोला मैंने। अच्छा रुको, मैं कुछ देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऑनलाइन ऑर्डर करने जा रहा हूँ। इसे खाने का मन कर रहा है क्या तुम्हारा? यही सब खा के चाइना वालों ने कोरोना भेज दिया यहाँ और तुम्हें मुझसे चिपका दिया। ये लो, थोड़ा ऑर्गेनिक फूड है ये। अच्छा, पैसे की तरह सो गया है ये? सच में सोया है क्या? तुमने तो डरा दिया। इतनी सुंदर लड़की को देखकर तो डर गया, तो कीड़े मकोड़े वाली जगह देखकर मुझे डर नहीं लगेगा? मैं क्या करूं? अगर अभी कहूंगी तो रूम बुक करवाओगे? जगह चेंज करो। मॉर्निंग में हमने फैक्स देखा था, तब तक बाइक जा चुकी थी सर। बाइक के पीछे लड़की बैठी थी सर। ये चेक पोस्ट पार करने के बाद अगले चेक पोस्ट जाने की बजाय वो कहां गए होंगे?
ध्यान से आना। अच्छा हाथ दो मुझे। नहीं चाहिए। बैठ जाओ। ठीक से बैठ गई हो ना तुम? ये बहुत उछल रहा है, पहले इसे कंट्रोल में लाना होगा। बहुत ठंड लग रही है। अब ये क्या कर रही हो तुम? Never trust a man at night. ऐसा किसी इंग्लिश फिल्म में कहा गया है। तो फिर मुझे वहीं सोने देती? Don't sleep alone when you are outside. ये भी इंग्लिश फिल्म में कहा गया है क्या? नहीं, मेरे पापा कहते हैं। टॉयलेट जाने के लिए भी इस स्कूल टीचर से पूछना पड़ेगा क्या? अब कौन कॉल कर रहा है? चैत्रा जी, क्या है? मेरा फोन आ रहा है, थोड़ा उठाएंगी क्या? वो सोचेंगे सो गया है, सो जाओ। वो क्या है, नेवर मिस्ड कॉल इन मिडनाइट, ऐसा मैंने हिंदी फिल्म में देखा है। प्लीज। निकालूं या नहीं? अरे नीचे नहीं, ऊपर। हेलो। हाँ भाई बोल। अरे भाई, कुछ दिन पहले तुमने राकेश को किसी साइट के बारे में बताया था ना? कौन से साइट में? अरे यार वो साइट। कौन से साइट में बे? लड़का और लड़की। कट कर दीजिए चित्रा जी, कट कर दीजिए, प्लीज प्लीज कट कर दीजिए ना। Never miss a call at midnight. ऐसा किसी हिंदी फिल्म में कहा गया है, बात करो ना। ऐसा बोला था क्या? अरे भाई बता ना। अरे सुनना भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, फोन कट करना यार। उसे फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। गूगल पे सर्च मारना यार। अरे गूगल में जो देखा है वही दिखा रहा है, मुझे कुछ न्यू देखनी है। फोन कट कर, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। फोन रख। हाथ बांध कर मैंने अच्छा ही किया। प्लीज रुको, राकेश का फोन आ रहा है, बाद में फोन करता हूं। एक फोन कॉल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कमीना कहीं का। नेवर मिस्ड कॉल इन मिडनाइट सब बकवास है। कमीना, एक तो मैं मच्छरों को भी नहीं मार पा रहा हूं। गाड़ी क्यों रोक दी? भगवान ने तुम्हें पीछे बैठने का मौका दिया है तो इसका मतलब आगे देखना भूल जाओगी क्या चैत्रा? आगे देखो। हाँ तो हॉर्न बजाओ। रेड लाइट देख के रुकना है, ग्रीन लाइट देख के चलना है, हॉर्न बजाने पे हटना है, ऐसा इन लोगों को नहीं पता होता है ना? तो जाकर इन्हें हटाओ। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, आपका नौकर नहीं। अगर तुम्हारा दिल करे तो जाके हटाओ उन्हें। मैं? लड़कियां एनिमल लवर्स होती है ना, तो जाके बात करो उनसे। जाओ जाओ। तुमसे कहना ही नहीं चाहिए। जैसे इस बाइक को खरीद लिया है वैसे इन्हें भी खरीद लो, जाके बात करो उनसे। जाओ जाओ। शू 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 हुर हुर करके मुर्गियां हटाई जाती हैं, ये गाय नहीं हटने वाली। जाओ। गो, गो। जाओ ना प्लीज। तुम्हें भी इसकी तरह चर्बी चढ़ गई है क्या? इसके साथ रहो, हर चीज में प्रॉब्लम है। प्लीज जाओ ना, इसके सामने मेरी इज्जत मत उतारो, प्लीज प्लीज। गो 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 गो। चैत्रा अगर ठान ले तो उसे कोई नहीं हरा सकता।
ओके। भाग कर कहां जाएगा स्वामी जी? इस दुनिया में कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो, और कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं जो पुलिस के हाथों बच जाए। सर, लॉकर पुलिस वालों के बीच में फंसा दिया इसने। अगर ये बात पापा को पता चल गई, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। सर, बैठ जाओ। कौन हो तुम लोग? स्टूडेंट्स हैं सर। और कहां से आ रहे हो तुम लोग? मकर जी। गाली क्यों दे रहे हैं बे? नहीं, गाली नहीं है सर, गांव का नाम है। वो किसका गांव है? वो मेरी नानी का गांव है सर। मतलब तुम बेंगलोर से नहीं आ रहे हो, कोई भी चेक पोस्ट पार नहीं किया है, ये बात मैं मान लूं? हां आना। हाँ सर। आ रहे हैं सर। मैंने ये नहीं पूछा कि गाना कौन सी फिल्म का है, लड़की कौन है ये बता। लवर है सर। मतलब तुम दोनों के बीच में? मतलब आप सच में लवर समझ लेंगे, इसलिए कंफर्म कर रहा था सर। ओके। लॉकडाउन में बाहर नहीं घूमना चाहिए तुम्हें, पता नहीं है क्या? वो तो पता है सर। पता होने के बाद भी लड़की को लेकर घूम रहे हो? मतलब कुछ अर्जेंट था सर। क्या था इतना अर्जेंट? वो क्या है कि नानी गुजर गई सर। नानी गुजर गई? किसकी नानी ये बताओ? इनकी। इसे ही क्रिकेट में हिट विकेट कहते हैं, हिंदी में आत्मा होती है और संस्कृत में आत्मसमर्पण सर। हाँ, आत्मसमर्पण। मुझे सच बताओ, तेरा नाम क्या है? चित्रा सर। चित्रा? चित्रा नहीं सर, चित्रा। ये आखिर इतना डर क्यों रही है? क्या लगती है लड़की तेरी? ये लड़की मेरी कुछ नहीं लगती सर। वो क्या है कि पास्ट में हमारी ऐसे ही मुलाकात हो गई, फिर हम फ्रेंड्स बन गए, एक्सीडेंटली अलग हो गए, आज सुबह ही कोइंसिडेंटली मिले और गांव जाने के लिए निकल पड़े। अरे जल्दी बताना। मतलब हम लगभग 6 महीने पहले मिले थे सर। उससे पहले ये कौन है मैं नहीं जानता था, मैं कौन हूँ ये नहीं जानती थी। सच कहूँ तो सर, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो तो एक फोन कॉल की वजह से हम एक दूसरे को जानने लग गए सर। इतना बोलने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया? मतलब बोलने पे समझ में नहीं आएगा सर, देखेंगे तो समझ में आएगा। जरा उस तरफ देखिए सर। हे, जब हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो पहले मुकेश का ऐड आता है, ऐसा ऐड क्यों दिखा रहा है बे? तेरी कहानी बताने के लिए बोला तो, इसका मतलब ये नहीं कि उगने से बताएगा तू। जब से दाढ़ी मूछाई तब से बताऊं क्या? हाँ, अब आया लाइन पे, बता। वो बुमई को फोन करने के लिए बोला था ना, पी रहा हूँ फिर भी लेके क्यों जा रहा है? सर आप है क्या? सर नमस्ते सर। यस, वेयर एवर यू गोस आई पुलिस फॉलो, कुत्ते की तरह। तूने बार ओपन किया तो मदिरा का सेवन हानिकारक होता है, लिखना पड़ेगा, बोतल से ब्रांड का लेबल भी हटाना पड़ेगा। कहीं और जाकर ओपन कर। ओके सर। ये मुझे पसंद नहीं है, निकाल दे। निकाल देते हैं सर। हीरो के हीरो, 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 हीरो के हीरो। फोन दे, फोन दे, फोन दे। क्या कहा? थिएटर में रिलीज नहीं हुई, सिर्फ पोस्टर। हंगामा देखकर लगा कि पवन कल्याण की फिल्म रिलीज हुई है। पता नहीं सर, उनका नाम सुनते ही कांपने लगता हूँ। सही कहा। हाँ। वैसे भी जहाँ पवन स्टार होता है वहीं मेला लगता है, मंदिर हो या मस्जिद हो। हाँ, कंटिन्यू। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाली के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाली के चम्मच से चटनी चटाई। राजू, महालक्ष्मी मंदिर के पास जो बोर्ड लगाया था उसे एलजे ने फाड़ दिया। तुम भाया हुआ कमीना। अरे भाई तू ज्वालामुखी जैसा क्यों रहा है? शांत हो जा, बात तो बता। आया नहीं, जरूरत पड़े तो फ्लैक्स बोर्ड में लगवा दूंगा, उधार लेके आ जा। अरे अरे भाई मेरी बात सुनो, रुको ना। अरे सुनना, तू रोकना भाई को, रोकना। आज उस कमीने को छोड़ेंगे नहीं। अरे किसे नहीं छोड़ोगे? आज तो फैसला करके रहेंगे। अरे भाई प्लीज ऐसा मत करो, छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चल जा, वो हमें मिट्टी में मिला देगा। ए, बहुत होगी तेरी बकवास। अरे बाप रे। भाई मेरी बात सुन, प्लीज हम यहाँ से निकलते हैं। चल चल।
दादाजी के बनाए हुए मंदिर के सामने बोर्ड कैसे लगाया? अरे नहीं नहीं यार, सुनो चल यहाँ से। ए गाड़ी रोक। क्या हुआ सर? ये दास की गड्डी में जोकर कौन है? हमारे गांव का एलजे है सर। एलजे? हाँ? मतलब हमारे गांव का जमींदार। अच्छा जमींदार है, क्या करता है वो? गांव में इलेक्शन में खड़ा हुआ था, दो वोट से हार गया। अरे बाप रे, दो वोट का मतलब बहुत नजदीक जाके हार गया। आपको ऐसा लग रहा है क्या? दो वोट से हारना मतलब उसे सिर्फ दो वोट मिले ही थे। लेकिन जब दिखाए थे तो तीन लोग थे, फिर दो ही वोट कैसे मिले? इसे मुर्गियों की लत है ना। हाँ। इत्तेफाक से चुनाव चिन्ह भी मुर्गा ही था। हाँ। और इसने जाकर के बटन दबा दिया। उसका भी कैसा पागलपन है। अभी आपने देखा ही क्या? हाँ। अभी तो बहुत कुछ है सर। क्या है? त्योहार पे मुर्गियों की लड़ाई होती है ना, उसमें ये बिजी हो जाता है सर। और जब रात होती है तो जुए में बिजी हो जाता है। और जब गर्मी आती है तो आईपीएल में सट्टा लगा। और सर पता है जब ठंड आती है ना तो अपने सारे कमाए पैसे अय्याशी में उड़ा देता है। बस करो, वैसे भी लड़की के पीछे पड़ा आदमी हमारे लिए टाइम वेस्ट है। आगे क्या हुआ बताओ। अरे भाई नहीं 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 नहीं, तू तो ऐसा मत कर। नहीं 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 भाई, अरे भाई फ्लैग से तेरा हाथ काट दिया तो तू उसे काट देगा क्या? अरे भाई वापस चलते हैं ना। अरे यार मेरे पुराना चुपका बैठ। अरे देखना पुलिस वाले ने हमारी फोटो भी खींच ली। आगे पुलिस वाला है। अरे यार तू मरवा के रहेगा, मेरा दिन ही खराब था जो मैं तुम लोगों के साथ आया। अरे भाई मेरी बात सुन, मुझे छोड़ दे, मैं अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ। बड़े रॉक रूट है। अबे ये बंदे कहाँ जा रहा है तू? अरे मेरी बात सुन, देख पुलिस वाला बात तो ले लिया और तू चुप हो सकता है क्या? यार तो लेने दे, छोड़ दे भाई, मुझे जाने दे, मैं तेरे हाथ देखता हूँ, मुझे मार दे। अबे रुक जा रुक जा, क्या कर रहा है? अबे रुक 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 रुक। अरे मेरी बात कभी तो माना करो। देख पहुँच गया ना। तुझे सलाम भाई, बेवजह तुझे बता दिया, ऊपर सूख गया नीचे गीला हो गया। हम दोनों ऑटो से चले जाएंगे, चल चला। इसने तो अरे चल जा, खराब कर दिया, जान बची तो लाखों पाए। सर कैसी ड्राइविंग करता है तू? क्या हुआ सर? कितना ट्रैफिक पोल्यूशन किया जानता है तू? कौन कौन सा किया? पांच सिग्नल जंप, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट नहीं है, ऊपर से रॉन्ग रूट पे राइडिंग, सारा मिला के फाइन कितना होगा जानता है तू? एक का 500 से पकड़ के 5000 से ज्यादा हुआ। आपको पता है ये गाड़ी किसकी है सर? किसकी है बता? आइए बताता हूँ। ए स्टॉप स्टॉप, हेलमेट कहाँ है तेरा? इस गाड़ी का नंबर मैंने कहीं तो देखा है। ए मैं कौन हूँ जानता है क्या? ए, 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 आजा, 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 गाड़ी साइड में लगा। चल आजा आजा, सबसे पहले फाइन भर और फिर गाड़ी लेकर जा। समझा? 5000 का फाइन, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं नहीं भरूंगा। सिग्नल जंप किया और फाइन नहीं भरेगा? पहले फाइन भर भाई, भर दीजिए। ये ले पकड़, चाबी दे। हाँ। तूने उसका नंबर लगा दिया? उसका नंबर है सर। हाँ? हाँ? उसने हमारे 5000 का साइन बोर्ड फाड़ दिया था ना सर, इसीलिए मैंने ये किया। हाँ? ये मेरा स्टाइल है सर। हेलो। ए कहाँ है? शॉप में हूँ यार। फाइन भरवाने वाला तू ही है, ये एलजे को पता चल गया। हाँ? हाँ, वो तेरे पास ही आ रहा है, भाग जा। तू पत्ते डालना। हेलो, पत्ते नहीं, सबसे पहले तो मैं इसे फेंकूंगा चुहारी कहीं का। भाई क्या है बे? एक बार जरा चप्पल तो देखिए, इसकी मौकी अंदर तो 10 लोग हैं। तू जाके देख तो। नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है कि वो लोग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर अभी उसके हाथ लग गए तो मेरी मुर्गी तो फ्राई हो जाएगी भाई। ए सिक्सर मार दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैच हार गया। सामने वाले को भी बैटिंग करने का मौका मिलता है, हमें भी मौका मिलेगा। चलो आ जाओ, इसे बाद में देख लेंगे। वो लोग तो चले गए, अब तू भी जाके अपना काम कर। क्या यार कहीं क्या? तूने आईना क्यों रखा है? मैं ही हूँ क्या?
हमेशा ऐसा ही होता है, नए लोगों को कोई इनकरेज ही नहीं करता। सही किया तूने। अच्छा, आधी फिल्म होने के बाद तेरे इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? वो बचपन में माँ के साथ खाना खाया कि नहीं, फ्रेंड्स के साथ दारू पी या नहीं, ये पूछने वाले आप पहले आदमी हैं सर। इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल होकर के एक बायोपिक सेट करना चाह रहा हूँ सर। ये बायोपिक है या डायोपिक है ये बाद में बताना तू। पहले ये बता, इसको कहाँ देखा था? मुंह में उंगली डालने के बाद लगता नहीं काटेगी, बहुत गुणवान लगती है ये। मदर टेरेसा लग रही है ये। देखते ही इसके सामने हाथ जोड़ने का मन कर रहा है। पूरी तरह देखने के बाद बोलिएगा सर। पूरी तरह? हाँ। अब तू पेड़ पर चढ़ जा। शिवा शिवा, ऐसे कैसे मार दिया इसने? चित्रा को काटेगा? बोला था हीरो दिखाऊंगा, फिर तूने किलर क्यों दिखाया बे? इसकी तो साइको है, साइको। मंदिर है, मंदिर है सर, गुस्सा मत करिए, मंदिर है। सॉरी सॉरी, चलिए चलते हैं सर। गाना बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर। 15 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाएंगे सर। सर हाँ, 15 मिनट के अंदर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ, तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम और है। ये क्या है सर? इस 15 मिनट में तुम्हें अपनी कहानी फिनिश करनी होगी। अच्छा, जहाँ भी देखा तुम इस लड़की के पीछे ही थे, लड़की के साथ। सेम फीलिंग मुझे भी आई थी सर। हाँ। इसलिए चलो हो गया, रुकने को बोलोगी तभी रुकेगा। क्या कहा? अरे मेरा मतलब, इससे रुकने को कहोगी तभी रुकेगी। जाओ। तुमने कहा था नहीं रुकेगी। हार्ड बोल्ट लूज हो गया था मैडम। क्या कहा? वो मतलब कार्बन बोल्ट लूज हो गया था, मैंने ठीक कर दिया है, अब नहीं रुकेगी। ये लो। कल जब आना तब दे देना। कल क्यों आऊंगी मैं? मेरा मतलब अगली बार जब आना तब दे देना। ठीक है, तुम रख लो। ओके। मिलावटी पेट्रोल मैडम। ये मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रही है? कहीं पता तो नहीं चल गया? हो गया मैडम। ओके बाय मैडम। 3324 नंबर का पाना देना। मैंने पाना मांगा था और तूने सर। बार बार गाड़ी ठीक कराने आ रही है, मतलब तूने कुछ और ही किया है। क्या किया है? मैंने जानबूझ के बोर्ड लूज कर दिया था। किसलिए? हमेशा हम ही लड़की के पीछे क्यों भागे? हाँ। सर कभी लड़कियां भी तो हमारे पीछे आनी चाहिए। हाँ। एक काम कर, तू शादी कर ले, फिर दोनों एक दूसरे के पीछे भागना। उसी के लिए तो ये सारी कोशिश चल रही है सर। अच्छा, तेरी कोशिश के बारे में लड़की को शक नहीं हुआ है क्या? उसने भरोसा कर लिया क्या? नहीं सर। हाँ? गाड़ी ही बेच दी। हाँ? बेचारी पुअर गर्ल। तूने आखिर समझ क्या रखा है? हमने उससे खुद सिक्स मरवाया है। हाँ। अरे भाई,
ये क्या नया फोन, कितना चमक रहा है, कहाँ से लाए भाई? कल वहाँ धोनी ने सिक्स मारा, हाँ, और यहाँ एक आदमी अपना फोन हार गया। अगर धोनी आउट हो जाता तो? इसमें क्या है, कल गिरवी रख देगा ये। क्यों भाई, काम हो गया ना? हाँ चाचा जी, हो गया। कितना? अरे रहने दीजिए। अरे ले लो। अरे नहीं, रख लीजिए, कोई बात नहीं, बात नहीं। रख लीजिए। अरे ले लेना, इधर दे। उसने तो ले लिया। देखो तुम लोग कैसे हो, ये तो बहुत चालाक है। रात में आया है कि जो फ्री में लगा दे, चल निकल। ये तो सबका बस भलाई करता है, बस मुझे ही छोड़कर। क्या हुआ यार? अच्छी गाड़ी देखने के लिए बोला, 6 महीने बीत गए अब तक देखी ही नहीं। अरे ओ भाई, अच्छी गाड़ी सेट करना मतलब शादी के लिए रिश्ता फिक्स करना होता है, समझ में नहीं आया? जैसे वहाँ कुल और गोत्र देखा जाता है ना, उसी तरह गाड़ी की कंपनी देखते हैं। समझ गया कि नहीं? पता है वहाँ दहेज कितना मिलेगा ये देखते हैं, और यहाँ माइलेज कितना देगी ये देखते हैं। बता, देखते हैं या नहीं? देखते हैं कि नहीं देखते? तुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद देख ली है, चलकर बताएगा कैसे तो काफी है। तूने देख लिया है? कहाँ? OLX पे। OLX पे? हाँ। अरे बाप रे। अरे तू नहीं जानता क्या? अरे क्यों नहीं जानता, बिरयानी ऑर्डर करो तो आधे घंटे में आ जाती है। यही है तेरा नॉलेज? ओहो, लगता है नाम बदल दिया। दुकान बंद करके आ जा, तुझे मेरे साथ गाड़ी देखने चलना होगा, चल। क्यों रे? OLX है तो तुझे तो तेरा कमीशन मिल जाएगा, बेचारे को गाड़ी दिला देना। सर आप सीन के आखिर में आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। बहुत लाड में आ गया तू, देखने में कच्चा नींबू लग रहा है, पता नहीं कौन नहीं छोड़ेगा। ये रंगोली तेरी है क्या? घुमा कर देखिए सर। हाँ, गाड़ियों की रंगोली अच्छी है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस गाड़ी को मैंने पहले कहीं देखा है। बढ़िया है। अरे बुलाना यार। सुनिए, कोई है क्या? अरे ये तो वही है। अरे बाप रे, गाड़ी इधर है बे। अप्सरा, ये यहाँ क्या कर रहा है? OLX पे गाड़ी देखी थी। अरे बाप रे, कमाल का इंजन है इसमें, कभी पिघलता ही नहीं। सिंगल हैंड ड्राइव है क्या? अरे बाप रे, आंखें तो चमक रही हैं इसकी, नजर नहीं हटा पा रहा हूँ मैं इससे। आंखें कहाँ है? हेडलाइट के बारे में बोल रहा होगा। बिल्कुल सही। हाँ। मैं जो बोल रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ रही हैं। वाह, क्या कमाल की सीट है। कौन सी सीट के बारे में बात कर रहा है तू? गाड़ी की सीट यार। वैसे कितना डाला था OLX पे आपने? 30,000। छी छी, इस गाड़ी का 30,000? 40,000 से 1 रुपया भी कम मत लीजिएगा, चल दे। इसके लिए 30,000 ही ज्यादा है तो 40,000 क्यों बोल रहा है? अबे मैं कह रहा हूँ ना, 40,000 भी कम है इसके लिए, कंजूस कहीं का। चल पैसे निकल, पैसे निकल, पैसे। मैं नहीं दूंगा। इससे बेहतर गाड़ी कोई नहीं पहचान पाता, ये लीजिए। इतनी जल्दी रिश्तेदार बन गई क्या तेरी? 1, 2, 3। ये और इसका ओवर एक्शन सेट कर लिया ना। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तू पैदल आ। ए सर, ढूंढ मत, मैं यहाँ नहीं हूँ। सर रुक। सर कहाँ है? मिनिस्टर मेरे मामा। ये कह रहा है मिनिस्टर का रिश्तेदार है। मिनिस्टर का रिश्तेदार है, फिर तो हमारा बहुत खास है। 200 और ज्यादा लेके छोड़ दे, अगर वहाँ रहूंगा तो यहाँ का कलेक्शन कौन देखेगा। इसका मतलब यह है कि तूने लव मैरिज करने का फिक्स कर लिया। वैसे भी आज के जमाने में ज्यादा लव मैरिज ही होती है। कैसे? अगर सक्सेस हुआ तो अपनी लवर से शादी होगी, नहीं हुआ तो किसी और की लवर से शादी होगी। महान लॉजिक है तेरा। कलेक्शन की बात आती है तो आप भी कभी छोड़ते हैं क्या सर? सटायर बंद करके स्टोरी सुना। ठीक है सर। हाँ। ये तब से अपने हीरो वाली हरकतें बता रहा है। हाँ? इसकी जीरो वाली हरकतें मैं बताऊंगी। कूल कूल बेबी कूल। बोलो। हेलो, क्या बात है? इसने देखा या नहीं? कहाँ हो? ए, तुझे बोल रहा हूँ, शर्ट उतार, शर्ट उतार ना, ला दे मुझे। अरे उतार ही तो रहा हूँ, अभी तक उतार ही नहीं। चल उतार। हाँ दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। अरे रे मेरी बात तो सुन, तुझे मेरी शर्ट चाहिए क्यों? अरे सुन तो। अरे रे 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 जाना। अरे अरे राजू, अरे 1 हफ्ते पहले गाड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी,
अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, उधर कहाँ देख रहा है? अरे राजू, ये क्या है? तू दुकान पर मिलता नहीं है, मेरी गाड़ी का क्या हुआ? कहीं तूने उसे बेच तो नहीं दिया है ना? अरे राजू, ए मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी से मेरे परिवार को बहुत लगाव है रे। सुबह एक पैरासिटामोल खिलाओ और शाम को एक पैरासिटामोल, दो दिन में ठीक हो जाएगा। राजू, अरे तू क्या बोल रहा है? ये और इसकी बेकार गाड़ी। ए फंडू। हाँ सर। सर मैकेनिक था, अब डॉक्टर भी बन गया तू। अब वो क्या है कि वैसे बदलना तो होगा, लेकिन शर्ट नहीं, उस लड़की का दिल। फोकस कर। ओके सर। पागल कहीं का, बाप रे भूल गया कोरोना चल रहा है। अरे यार, ये मुर्गे का बच्चा बीच में कहां से आ गया? I love you. दिन में तारे नजर आ गए उसे। मारा उस तरफ है गधे कहीं के। वैसे वो लड़का इस लड़की से कैसे कनेक्ट हुआ? उसका भी कारण मुर्गी ही है सर। वो कैसे? जब मुर्गी का ख्याल इतने अच्छे से रख रही है तो आपका भी बहुत अच्छे से रखेगी। हाँ सच कह रहे हैं, आपकी जोड़ी तो लाजवाब दिखेगी भाई। हाँ। इसको मुर्गियों की लत थी, वैसे भी एक तरह से सही था। आपके अंदर पॉजिटिव एंगल कुछ ज्यादा ही है सर। मतलब कहीं इसमें कोई नेगेटिव एंगल है क्या? वो मैं नहीं बता सकता, आप खुद ही देख लीजिए। क्या है, ठंडी में आग से मुर्गी पका रही है? सैडिस्ट कहेंगे। अरे रे 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 रे। जैसे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर किडनी को चुरा लेते हैं, वैसे तुमने उसका कबाब बनाकर खा लिया। कमाल है। शुरू से मैं आपसे यही कह रहा हूँ। चुप करो, मैं बात कर रही हूँ तो तुम बीच में क्यों बोले जा रहे हो? बच गया मैं। सर कितनी फिल्मों में दिखाया गया है, कितनी किताबों में लिखा हुआ है, हिम्मत हो तभी प्यार करना चाहिए या फिर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। ये पुण्य भूमि बहुत सारे प्रेमियों के लिए त्याग का सबूत है। मैं समझा नहीं सर। तो फिर फूल देकर कौन प्यार करता है बेवकूफ कहीं के? आपने जो बोला था उससे भी बड़ा प्लान किया था, लेकिन इस छिपकली ने सब खराब कर दिया। So brutal. Actually, what happened? बस यूं ही सर। Okay, दारू पीते हुए बात करते। दारू पीने के लिए कंपनी दे सकता हूँ सर। चलिए। ये मैं एक बार फिर से जीत गया। क्या हो गया रे? सर पे छिपकली गिरी यार। छिपकली गिरी? हाँ। बाई तरफ या दाई तरफ? बाई तरफ गिरी। तो फिर तू टपक जाएगा। हाँ, हाँ यार, दाई तरफ गिरे तो कोई बात नहीं, बाई तरफ गिरे तो आदमी मर जाता है। हाँ। कुछ दिन पहले बगल के गांव के प्रसाद पर जैसे ही छिपकली गिरी वो जाकर गाड़ी के नीचे आ गया, टपक गया और टपक गया। तुम लोग ये सब कैसे कह सकते हो? तुम लोग सिद्धांत जैसे लोगों के कहने पर ही मानते हो, हमारे कहने पर नहीं। चंद्र नक्षत्र, वो देखो सिद्धांत जी आ रहे। सिद्धांत जी रुके, आ रहे हैं। चलो चलो आ जा। अभी बाहर मुझे जाना ही पड़ेगा क्या? मुझे डर लग रहा है यार। डर लग रहा है क्या? आ रही है, मैं नहीं जाऊँ। आ रही 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 आ रही। मैडम मैडम मैडम, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया मैडम, वो उन लोगों ने बोला कि ऐसा करने से, आज ऐसा करने से वो। अरे क्या हुआ यार, ये ग्रह मूव होने से पहले मुझे जाना पड़ेगा। कहीं हमारा दोस्त किसी और ग्रह पर न चला जाए, हमें इसी बात का डर है। क्या हो गया? पता नहीं कहां से सर पे छिपकली गिरी। बाईं तरफ या दाईं तरफ? बाईं तरफ। बाईं तरफ। ग्रह क्या बोल रहे हैं? इसके आने की राह देख रहे हैं। मतलब ऊपर चला जाएगा। कहा था ना, अगर कोई हल हो तो बताइए ना। अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा भला। कंची जाकर जिसने सोने की छिपकली को छुआ है उसे छूने से दोष चला जाएगा। वो रामायण के विद्या सुबेमा है ना, कुछ दिन पहले कंची जाकर उसने सोने की छिपकली को छुआ था। अगर तुम्हें 13,000 दोष मिटाने हैं तो सुबेमा को छूकर मेरे पास आ जाओ। सिद्धांत ने कहा था सुभ्यम को छूने के लिए, मुझे पकड़ने को नहीं। सॉरी मैम। और कहानियाँ मत सुनाओ मुझे, जाकर अपना काम करो। सर क्यों बे, छिपकली के सेंटीमेंट में तू लड़की को जाकर पकड़ लेता है? सर वो क्या है कि मैं, एक्ट मत कर। अगर छूना ये होता है तो पकड़ना ये होता है। तूने कैसे किया बता? पकड़ लिया सर। एक्चुअली प्यार में ऐसा होता है कि इंसान को। अरे बाप रे पुलिस आ गई। अरे बाप रे पुलिस आ गई। पुलिस का नाम सुनकर चोर भागते हैं, आप क्यों भाग रहे हैं सर? पुलिस पुलिस कुछ नहीं, थोड़ा खर्चा निकल जाएगा इसलिए चेक पोस्ट का सेटअप किया। मतलब आप नकली पुलिस हैं सर? ऐसा कैसे सेट किया? चेन्नई में SBI बैंक सेटअप किया था, तो फिर ये क्या चीजें मेरे लिए? अगर पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ लिया तो क्वारंटाइन में डाल देंगे, भाग जाओ यहाँ से। इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना। सही समय पे सही गाना आ रहा है, भागो बे। चलो चलो जल्दी भागो।
रुको रुको, कहाँ ना रुको। देखा, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा ड्रेस खराब हो गया। इज्जत से मुझे सॉरी बोलो। अरे घर जाके धो लेना ना, इतनी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही हो? ये मेरे लिए प्रॉब्लम ही है। अब मुझे सॉरी बोलोगे या नहीं? मैं सॉरी क्यों बोलूं? कल जब तुम रॉन्ग रूट से आई थी, सॉरी बोला था क्या? भूख लगने पे खाना ले आया था मैं, थैंक्स बोला था? सॉरी बोलने को कह रही, सॉरी। लॉजिकल बात करने तक आ गए क्या? तुम्हारे बिना मैं जा नहीं सकती, इसीलिए ऐसे चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला कर रहा हूं, बस ऐसे ही बोल रहा हूं। अभी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ से तुम अपने रास्ते और मैं अपने वो रास्ते। बात नहीं है चाचा। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मौत खुद मरूंगी, तुम अपनी जिंदगी खुद जियो। जाओ, चले जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो, गाड़ी मेरी है। ओ, तुम्हारी है? ठीक है, ले जाओ। वो बात नहीं है चैत्रा, ठीक है, सॉरी बोल रहा हूँ ना। रुको रुको रुको, वो वॉटरफॉल देखो ना, आ जाओ। रुको, ए ड्राइवर। हाँ, क्या हुआ? वहाँ वेट करो। किस लिए? तुम्हारे कारण मेरा ड्रेस खराब हुआ ना, मुझे फ्रेश होना है, जाकर वेट करो। ड्राइवर, अब क्या हुआ? अपना फोन वहां रख कर जाओ। पर इसमें चार्जिंग नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अरे ये खुद को महारानी क्यों समझ रही है? ड्राइवर, अब क्या हो गया? जाते समय बात करते हुए जाओ। किस लिए? तुम ऐसे बात करते हुए जाओगे तो पता चलेगा कितनी दूर तक चले गए। जाओ। वैसे काफी समझदार हो तुम। ये चैत्रा बहुत समझदार है, तुम जाओ। ठीक है, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटा सा चेंज है। क्या है? बात करने में मुश्किल होगी, गाना गा सकता हूँ क्या? जो करना है करके मरो। फर्स्ट टाइम तुमने मेरी बात मानी है। हाँ, अब चलते बनो। तुम मिले दिल खेले। ड्राइवर, क्या हुआ? जरा अपना गाना बदलोगे? ओके। राम राम कहो राजा राम, राम राम है सीता राम। ए, लड़की बहुत ही फ्रेश लग रही है। राजू, राजू मेरा नाम तो ड्राइवर है ना। राजू है, मुझे क्यों बुलाएगी? राजू, एक दो तीन, ऑलरेडी हम तीन हैं, चौथे की जरूरत है क्या? कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? मैं तुझसे ही पूछ रहा हूँ, बताना। बताना बताना कहेगा तो वो क्या बताएगा? मैं बताता हूँ। अबे बम्बई? उस टाइम पर बम्बई था, अभी मुंबई है। किसको पूछ कर लेकर आया? मैं लेके नहीं आया, ब्ला ब्ला में वो खुद ही। जिसको बिठाया मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जिस पर बैठा था उसके बारे में। मतलब नाम लिख कर गाड़ी ले जाएगा? मतलब वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है? नहीं। जो गाड़ी तुम्हारी नहीं है वो तुमने मुझे 35,000 में बेची, शर्म नहीं आती क्या? मैंने कहाँ बेचा? एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, बस मेरा सर खा रही थी कि अपना नंबर दो, मुझे जीपे करना है और क्या? जाने वाले हर चोर ऐसे ही बात करते हैं। तुम? बहुत हुआ तुम दोनों का टॉम एंड जेरी का रोमांस। इस पाप को धोलने के लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा, बस छोटा सा काम। कैसा काम? हाँ,
किडनैप किया है क्या? इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, है ना? हाँ। अबे गलत बात है ये। करना तो पड़ेगा ना। मदद मांगे तो लोग सलाह देते हैं, उधार मांगे तो लोग ब्याज लेते हैं। उधार चुका नहीं पा रहा हूँ इसलिए यही कर रहा हूँ। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे को तकलीफ देना गलत है। हाँ, अपनी जरूरत के लिए मेरी गाड़ी लेकर जाना करेक्ट है क्या? हाँ? गलती करके अगर पकड़ा जाऊंगा तो इज्जत गंवा दूंगा, ये जानते हुए भी कोई चारा नहीं था, इसलिए किडनैप करूंगा ये मैंने फिक्स किया। और मैंने प्लान किया कि कोई सबूत पीछे ना छोड़ दूं, इसलिए इस गाड़ी में डालकर इस लड़की को किडनैप किया। सिर्फ एक सबूत है इसलिए उसको सबके नजर से छुपाकर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये सोचकर थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे और उसके बाद हम खुशी से रहेंगे। लेकिन जब ये सब सोच रहा था उसी बीच तेरी एंट्री हुई और गाड़ी लेकर चला गया। तू अगर पकड़ा गया तो कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, इसलिए मैंने तेरे पीछे एम्बुलेंस लगा दी और रोड पर मैं कुत्तों की तरह इधर से उधर दौड़ रहा था। इस बात का तुझे पता चलना चाहिए, इसलिए तू किडनैपिंग वाले पैसे लेकर आ। नहीं, मैं लेकर नहीं आऊंगा। ऐसा अगर तूने डायलॉग मारा ना तो इस लड़की की इज्जत, उस लड़की की जान दोनों चली जाएंगी, याद रखना। कुछ डिफरेंट ट्राई मत करना, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा। हेलो। हेलो। आपने जो जगह बताई थी मैं वहां पहुंच गया हूँ। गुड। जिस जगह पर खड़े हो वहां से थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ा झुककर नीचे देखो, कुछ मिला क्या? अच्छे से देख। डस्टबिन है। नहीं, यूज मी। पैसे उसमें डालकर उसे यूज कर। अब मेरी बेटी? ट्रस्ट मी, डांस स्कूल में प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। हेलो 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 हेलो, कमीना कहीं का। कहा था ना, ये काम का बंदा है, पैसे लेकर ही वापस आएगा। बैग दे दे राजू। उस बच्ची और चैत्रा को छोड़ दे। हे, मैं तेरा फ्रेंड हूँ यार, मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं है क्या? फ्रेंड है इसीलिए भरोसा नहीं है। बैग दे यार। पहले दोनों को छोड़। बैग दे। कमीने तेरी तो। Hey!
बॉम्बे सर, 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 सर। करने वाला तो तू ही था, लेकिन तुझे करने को बोला किसने? ये थैंक यू सर, हमने डर की वजह से आपसे हेल्प नहीं ली, फिर भी आपने इन्वेस्टिगेट करके किडनैपर्स को पकड़ा, इसलिए थैंक यू सर। दैट्स माय ड्यूटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम चलते हैं सर। हाँ, इट्स ओके। ये क्या भार्गवी जी, असली गुनहगार कौन है, ये जाने बिना ही जा रही हैं? सर, वासु सर, वासु सर, क्या हुआ वासु? ये किडनैपिंग मैंने ही प्लान की थी, पर बच्ची को कुछ करने के लिए नहीं, ना ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने के लिए। आईपीएल बेटिंग में मैंने पैसे खो दिए थे, इसीलिए मैंने कर्जा लिया। मैंने गलती की है, लेकिन जब तक आँख खुली तब तक देर हो चुकी थी, और अंत में 10,000 रुपयों के लिए भी तुम्हारे सामने हाथ फैलाने की नौबत आ गई थी। अगर उनका कर्जा नहीं चुका पाता तो वो मेरी जान ले लेते भार्गवी। वैसे भी अगर तुमसे मैं 50 लाख रुपये मांगता तो तुम क्या सोचती? इसलिए 5 लाख रुपए में मैंने किडनैपर्स को रख लिया। प्लानिंग के हिसाब से जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन इसने आके जब कंप्लेंट कर दी तो सारा प्लान चौपट हो गया। इंसान कितने भी रंग बदल ले, साया हमेशा काला ही होता है। चोर कितनी ही अच्छी एक्टिंग कर ले, पकड़ा जाए ऐसी गलती तो करता ही है। जब हमने ये फैसला किया कि हम इस केस में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद फर्स्ट सीसी कैमरा में बाइक का नंबर ट्रेस किया। हमारा नेक्स्ट मूव, किडनैपर्स ने ऑलरेडी बच्ची के फादर को फोन किया है, अगर उनका कॉल लिस्ट चेक किया तो किडनैपर्स का नंबर मिल सकता है। यस सर। बच्ची के किडनैप होने के बाद कोई नए नंबर से कॉल नहीं आया, मतलब किडनैपर्स का कॉल करके 50 लाख मांगना झूठ है। तभी मुझे फर्स्ट टाइम आप पर डाउट हुआ और आपका फोन टैप करवाया। असल में पैसों का फाइनल डेस्टिनेशन का अगर पता लग जाए तो सब मिल जाएगा, इसलिए चेक पोस्ट के पास इस मनी बैग में मोबाइल ट्रैकर लगवाया। इसके बाद जो पैसे लेने आया वो था राजू। बच्ची कहाँ है? सर मैं कुछ नहीं जानता सर, उन्होंने मेरी फ्रेंड को पकड़ रखा है और मुझे बैग लाने की धमकी दी है, और मैं कुछ नहीं जानता सर। मुझे पंचतंत्र की कहानियां पसंद नहीं है, मुझ पे भरोसा कीजिए सर। भरोसा करना है तो मेरा कहा करना होगा सर। थैंक्स राजू। थैंक यू सर। जा सकते हैं, चलता हूँ सर। स्वामी जी। सर आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है तो बताइए। ओके सर। सर आप यहाँ? नहीं रे, मेरा डुप्लीकेट है। क्या आप भी सर, लेकिन आप यहाँ कैसे? लॉकडाउन में गाड़ी चला रहा था, एक ही गाड़ी मैंने सीज कर दी और इसने बीच में रुक के मुझे सीज कर दिया। वैसे भी तू अपनी प्यार की कहानी बीच में ही रुक के चला गया था ना। आखिर वो जान के आप क्या करेंगे सर, दूर जाना है, छोड़िए जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूं, तूने हाथ दिखाया, उस लड़की ने क्वार्टर दिखाया, जब तक मैं कहानी जान नहीं लूंगा तब तक मुझे चढ़ेगी नहीं, चल बता। जाने दीजिए ना सर, कुछ चीजें यादों में ही खुशी देती है और कुछ चीजें भूल जाने में, लेकिन मेरी कुछ और ही फीलिंग है। मतलब प्यार में गलती की है इसलिए डरना चाहिए ना, कि उसका पता लग गया इसलिए। दिखाई देने वाली चीजों को सच समझो ठीक है, लेकिन जो दिखाई ना दे उसे झूठ नहीं समझना चाहिए। गलत बात, हर इंसान ऐसा ही होता है, पकड़ा ना जाए तब तक रामदेव बाबा, पकड़ा गया तो ढोंगी बाबा। सर ये लड़कियां ऐसी होती हैं, इल्जाम लगा देती हैं, लेकिन हमारे दिल का बोझ इन्हें समझ में ही नहीं आता, बहुत भारी बोझ होता है। गलती करना फिर बचकर निकलने का ट्राई करना, मर्दों को बचपन से आदत होती है। बस करो तुम्हारे फेसबुक का कोटेशन, वैसे भी ये भूल ना सके ऐसा क्या दुख है, और तुम भुला ना सको ऐसा क्या पाप है।
मुझे जानना है, बताओ। चैत्रा एक मिनट रुको ना। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। सामने से हटो, मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। चैत्रा बस बहुत हुआ, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो हाथ पकड़ लेगा क्या? पहले मेरी बात तो सुन लो। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुझ जैसे लड़के से हम जैसी लड़कियां नहीं पटती। तूने अपने हाथ देखे हैं? मिट्टी से सने हुए, ऑयल से सने हुए। तो जैसे के बगल में बैठकर खाना भी नहीं खाऊंगी। ऐसे मैं तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोचा भी कैसे? तेरा नाम क्या है? राजा। कौन से राज्य का? असल में तुझे इस नाम की वैल्यू पता है? तू जो ये मैकेनिक का काम करता है उसके लिए छोटू मोटू ऐसे ही नाम सूट करते हैं, तेरे नाम के लिए तो खुद ही सूट नहीं होता। असल में मेरी एजुकेशन क्या है जानता है तू? 10th स्टैंडर्ड 560, स्कूल फर्स्ट, इंटर 950, कॉलेज फर्स्ट, बीटेक यूनिवर्सिटी टॉपर। अगले 6 महीने में मुझे मेरे रेंज के लायक पैकेज भी मिल जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, परवरिश ठीक से ना हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते ही हैं। तुम्हारी माँ के मुँह में जुबान नहीं थी क्या? जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तब तुम पर ध्यान देती तो तुम ऐसे नहीं बनते। वैसे भी हर किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम और आप में बस एक ही शब्द का फर्क होता है, उसके पीछे एक माँ की परवरिश होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, और मेरे पास यही चीज है। आखिर मैं बस एक बात बोलूंगी, तुम पर मेरा गुस्सा भले ही खत्म हो जाएगा पर तुमसे जो मुझे नफरत है वो कभी नहीं जाएगी। तू ऐसा इंसान है मैंने सोचा नहीं था। मतलब छिपकली के नाम पर लड़की को पीछे से पकड़ना भी पाप होता है। कहता है अंधेरे में हाथ पकड़ लिया मैंने। हेलो, वो भी लड़की की मर्जी के खिलाफ। असली मर्द ऐसा नहीं होता है। सच्चाई जाने बिना कुछ भी मत बोलिए सर, तकलीफ होती है। तो फिर मैटर क्या है बता। पत्ते के खेल में जब तक शो ना हो तब तक खेल चलते ही रहता है यार। ऐसे में उस लड़की को मारने पर आपका ऐसे बेफिक्र रहना, मुझे क्या मेरी मुर्गी को भी पसंद नहीं आया। पत्तों के खेल में शो करने के लिए क्वीन की नहीं जोकर जरूरी होता है। इसी तरह उस क्वीन को अगर ट्यूशन से अपने घर जाना है तो हमारी गली से ही जाना होगा। हाँ। तब शुरू करेंगे अपना असली शो, क्या बोलते हो? चलो। हाँ चलो, चलिए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? सुन लिया। मुर्गी वाले का प्लान उसे बता दे क्या? कमीना कहीं का। बता देते हैं। बताते हैं। क्यों रे, मैंने जो स्केच बनाया था वो चैत्रा के लिए नहीं तेरे लिए था। तूने मछली के लिए चारा डाला और मैंने तेरे लिए चारा डाला। अगर तू नहीं आता तो मैंने जो सोचा था वो करता, उसका काम खत्म करता। ए चैत्रा ने जब गाल पे थप्पड़ मारा था तो तेरी हंसी, मेरी बाइक पे जब फाइन लगा तब तेरा घमंड, ये दोनों चीजें मुझे पसंद नहीं आई, इसीलिए कट कर दिया। अरे रे रे रे, दिमाग इस्तेमाल करना सिर्फ तुझे ही नहीं मुझे भी आता है। चलो रे। सर सर मेरी बात सुनिए सर, मार क्यों रहे आप? अरे अरे सर, आप सर, आप सर, खुद को बड़ा हीरो समझता है तो बाइक का मैकेनिक ही है ना, लड़की का हाथ पकड़ता है। सर सर छोड़ दीजिए सर। सर सर मेरे शॉप मत तोड़िए सर। सर क्या बोला? फिर से बोल बोल बोल। सर शॉप को कुछ मत करिएगा। ओ, मेरी माँ के नाम पे है। अब देख तू तेरी शॉप का क्या करता हूँ मैं। सर 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 प्लीज मेरी बात सुनिए सर, ऐसा मत करिए सर 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 प्लीज सर 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 सर। कल सुबह तक ये शॉप हटा लेना नहीं तो। चलो रे।
मतलब अच्छा करने गया था और आखिर में ऐसा बुरा बन करके आ गया। वैसे जो लड़की तुझे गलत समझती थी, तू उसे इतने दिनों बाद भी उसे संभाल कर ले जा रहा था, तू सच में ग्रेट है यार। उस लड़की ने मुझसे कहा था कि कभी मेरे सामने मत आना, मुझे लगा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। इतनी फेलियर लव स्टोरी होने के बाद भी फिर से नई प्रेम कहानी कैसे पैदा होती है? लड़कियां मना करते रहेंगी और लड़के पीछे पड़ते रहेंगे, इससे प्यार कभी खत्म नहीं होगा सर। पर जिंदगी में जितनी आसानी से जीत सकते हैं उतना प्यार में नहीं जीत सकते ना। सही कहा सर, हारने वालों की कोई अहमियत नहीं होती है सिर्फ प्यार के अलावा। उदाहरण के तौर पे लैला मजनू, पारो देवदास, रोमियो जूलियट, ये अभी तक याद किए जाते हैं सर। सच है यार, वैसे भी प्यार में हार जीत नहीं होती है यार, असल में प्यार करना ही जीत होती है। इस जर्नी में तुम्हें लड़की को सच बोल देना चाहिए था। जो सुनते नहीं उनसे कह के क्या फायदा। राजू हाँ? थैंक यू। इट्स ओके, चलता हूँ। बाय बाय। राजू जी, आप कौन हैं? चैत्रा जी, आप यहाँ कैसे? आइए ना, अंदर आइए, आइए। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, बोलिए चैत्रा जी, क्या हुआ? आपकी माँ के लिए जो चूड़ियाँ खरीदी थी वो मेरे पास ही रह गई। अरे मैं उधर आता तो ले लेता ना, आप यहाँ क्यों चली आई? कोई बात नहीं। हाँ। वैसे अभी आपकी माँ कहाँ है? ओ, मैंने अपनी माँ से मिलवाया नहीं ना, आइए मिलवाता हूँ। यह है मेरी माँ महालक्ष्मी। माँ, चैत्रा के बारे में बताया था ना? अरे वही 10 लाख का पैकेज, यही है वो लड़की। माँ, हाँ चैत्रा के लिए मैं पानी लेके आता हूँ, आप बात करिए। हाँ मेरी माँ आपके लिए पानी लाने को बोल रही हैं। अगर हमारे घर पे कभी कोई आए और उसकी खातिरदारी ना हो तो माँ बहुत गुस्सा करती हैं। ये लीजिए। अरे ऐसे क्या मुझे देख रही हो, कुछ भी कहो मेरी माँ को सब समझ में आता है। जब मैं कोई जोक मारता हूँ तो मेरी माँ बहुत जोर से हंसती हैं। तुम्हारे पैर में जो गोबर लगा था, मैंने ये बात माँ को बताई तो इन्हें बहुत मजा आया। असल में क्या हुआ था? Oh.
I'm sorry. ब्रेन में स्कैल्प के नीचे ज्यादा चोट लगने की वजह से आपके पिताजी की स्पॉट पर ही डेथ हो गई। सर पर जोर का झटका लगने की वजह से आपकी माँ कोमा की स्टेज में चली गई हैं। वो जिंदा तो रहेंगी पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। ऐसे लोगों को ठीक होने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं, कभी सालों, कुछ कह नहीं सकते और कुछ तो जिंदगी भर भी ऐसे ही रह जाते हैं। अरे राजू क्या हुआ यार? राजू, हे राजू, राजू क्या हुआ भाई? हे राजू, अरे मेरी बात तो सुन राजू, 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 अरे राजू, बेटा अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े, अगर बुलाना हो तो इसे दबाना, मैं आ जाऊंगी। राजू, हे हे राजू, राजू राजू भाई उठ जाना, क्या हुआ तुझे? हे राजू, राजू उठ जाना, उठ जा, क्या हुआ तुझे राजू? अरे भाई उठ जाना, हे राजू, हे राजू उठ जाना। तुमने पढ़ाई की है ये तुमने बताया नहीं? मैं क्या करता हूँ ये तुमने देखा, लेकिन पढ़ाई के बारे में पूछा ही नहीं कभी। इतना दुख दिल में रखकर तुम कैसे हंस रहे हो? मेरी माँ को मेरी हंसी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। वैसे भी हम अपनी जिंदगी में हमेशा खुशियां तलाशते रहते हैं, लेकिन खुशी जिंदगी में ज्यादा दिन टिकती ही नहीं। तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा? भगवान पे भरोसा रखने को कहा, लेकिन मेरी माँ मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। हालात चाहे कितने भी क्यों ना बदल जाए, हमें उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मैं अपना बीटेक का फाइनल एग्जाम नहीं दे पाया। मैं खाली होता तो अपने पापा के पास जाके उनसे मैकेनिक का काम सीखता था, और उसी से आज मेरी माँ की दवाइयां और खाने का इंतजाम होता है। और मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन मेरी माँ जरूर ठीक हो जाएंगी। हर छोटे मामले को बड़े प्रॉब्लम के तरह रिएक्ट करने वाली मैं, इतने बड़े दुख और जिम्मेदारियों को उठाने वाले तुम, तुम्हारी तुलना किससे करनी चाहिए? तुम सच में राजा हो, तुम्हारा नाम तुम्हें सूट करता है। उस दिन मैंने जो कहा उस बात का बुरा मत मानना।
चले। आ जाओ। वैसे राजू जी, आप बैंगलोर क्यों आए थे? स्पेयर पार्ट्स वहाँ बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वही खरीदने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। क्यों? वैसे ये लॉकडाउन के बाद जॉब ज्वाइन करना है ना? हाँ, तो तब भी आपको मुझे ही ले जाना होगा। जैसी तुम्हारी आज्ञा महारानी।